एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल करने का सोच रहे हो या आप कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए ताकि ये हमें नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो वो सारा मैं क्लियर करके बताने वाली हूँ। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपका मन चाहे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने टी ट्री ऑयल के ऊपर एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि टी ट्री ऑयल को आप किस तरीके से अपने एक्ने के ऊपर इस्तेमाल करके अपने एक्ने से निजात पा सकते हो काफ़ी जल्द। तो वो मैंने बता दिया है किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सारे रूल्स उसमें बताए गए हैं। तो ये एपिसोड मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि टी ट्री ऑयल के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लोगों पर हुए हैं, कुछ इसके हानिकारक इफ़ेक्ट्स भी सामने आए हैं और मेरे साथ भी कुछ एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आखिर में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस और सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए वाइल यूजिंग टी ट्री एसेंशियल ऑयल। तो पहली सावधानियाँ यही है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को टी ट्री ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तो अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट लेडी है इस वक्त तो आप टी ट्री ऑयल का, अगर आप अपने एक्ने के लिए भी चिंतित है कि क्या करें तो उसके लिए भी काफ़ी सारे उपाय हैं। मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियो में होम रेमेडीज जहाँ पर कि आप पत्तों, फूल से, इस तरीके की चीज़ों से जिसमें कि कोई जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो टी ट्री ऑयल को इस वक्त के लिए आप अवॉइड ही करें तो वो दोनों की सेहत के लिए अच्छा होगा। जो दूसरा प्रिकॉशंस है और सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि अगर हमें अपने घर में टी ट्री ऑयल खुद के लिए या किसी और के लिए इस्तेमाल करना है तो ध्यान रखिएगा कि हमें किसी 12 साल के कम उम्र के बच्चों पर टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई मीन इसका रूल ही यही है कि 12 साल के कम की उम्र के बच्चों पर टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और पेट्स हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि उनके कॉन्टैक्ट्स में ये ना आए। अब ये आ जाए तो क्या हो सकता है वो मैं धीरे धीरे आपको बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो टी ट्री ऑयल के बारे में जो कहा जाता है कि ये एक एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, तो इस वजह से काफ़ी लोग इसको नेल फंगल या स्किन के किसी फंगल इन्फेक्शन में या हेड लाइस पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। पर ये इन्फॉर्मेशन आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये सारे जो भी तत्व है ये अभी तक प्रूवन नहीं है, इस पर भी अभी तक काम चल रहा है, ये अभी तक भी अंडर रिसर्च ही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके का कुछ अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। स्किन केयर और हेयर केयर की बात अगर आए तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो हम जैसे लोग टी ट्री ऑयल को अपने, कई लोग शैम्पू के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कई लोग अपने नॉर्मल जो रेगुलर मॉइस्चराइज़र होता है या बॉडी लोशन होता है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं ये सोचकर कि ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, तो उनका स्कैल्प और उनका स्किन बैक्टीरिया से या फंगल इन्फेक्शन से बचा रहेगा। पर यहाँ मेरा कुछ कहना है जिसके लिए कि ये मेन वीडियो है, यही मुद्दा है कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको हज़ारों इस तरीके की वीडियो देखने को मिलेगी कि टी ट्री ऑयल से उनका स्किन बर्न हो गया, उनके स्कैल्प में एलर्जी आ गए, कुछ रिएक्शन हो गया, रैशेस आ गए, रेडनेस आ गया, उनके बाल झड़ गए, स्किन की तो काफ़ी बुरी हालत मैंने कई वीडियोस में मैंने देखी है। ये सब मैंने जिस वक्त टी ट्री ऑयल को परचेज करने का सोचा, मेरा ये हमेशा से है कि कुछ खरीदूँ उससे पहले मैं टोटल उसका उसके ऊपर रिसर्च कर लेती हूँ। तो ये एक अच्छी आदत मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर है, आपको भी ये अप्लाई करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो आपको इस तरीके के हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी और उनके मुंह से आप खुद भी सुन सकते हो कि कितना भयंकर वो जो बर्निंग जो हुई है उनके स्किन में या उन्होंने स्किन पे
जिस भी पार्ट ऑफ स्किन पे उन्होंने अप्लाई किया या अपने स्कैल्प पे अप्लाई किया, तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आप पूरे स्किन पर इस्तेमाल करोगे। जैसे मैंने टी ट्री ऑयल को एक्ने के ऊपर किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया मैंने लास्ट वीडियो में, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। तो आपको टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल तो करना चाहिए, मैं खुद भी करती हूँ, पर कुछ कुछ सावधानियाँ बरतनी इसलिए चाहिए ताकि ये हमें कुछ नुकसान ना दे। जैसे कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, मानो कि मुझे यहाँ कुछ चार एक्ने हैं, तो मैं कॉटन बड्स में लेकर सिर्फ उन चारों पर बिल्कुल इस तरीके के टच करके मैं छोड़ दूंगी। इसके साथ हमें बिल्कुल इसको रब नहीं करना, घिसना नहीं, इसको लेकर मसाज बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सिर्फ रखना है, और कितने देर तक रखना है वो आप मेरा एक्ने का वीडियो वो देखोगे टी ट्री ऑयल के ऊपर, तो आपको उसमें डिटेल इसका मिल जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि टी ट्री ऑयल को आप इस्तेमाल करो, पर आप इसको खुद से, ये हालांकि मेरा खुद का मानना है, बहुत लोग इसको अपने नॉर्मल शैम्पू में अपने मॉइस्चराइजर में इस्तेमाल करते हैं, पर ये मेरा खुद का मानना है क्योंकि मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट हुआ था, वो मैं बताने वाली हूँ आखिर में। तो मेरा मानना है कि आप टी ट्री ऑयल को बेशक इस्तेमाल करो, पर सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए, अपने पूरे फेस में या बॉडी के किसी ऐसे चीज़ों में मत मिलाओ जो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। तो आप इसको इस्तेमाल करो, बेशक करो, पर स्पॉट ट्रीटमेंट के जैसा करो। तो अगर आप विकिपीडिया की मानोगे तो टी ट्री ऑयल कैन बी पॉइजनस अगर आपने इसको इंटेक कर लिया। तो किसी भी तरीके से ऐसा कुछ मत करना कि ताकि ये आपके मुंह के अंदर जाए या आपके आंखों के आसपास। हालांकि विकिपीडिया पे ये भी कहा गया है कि हमें इसको अपने मुंह के यहाँ तक भी, हमें अपने होठों के आसपास भी, अपने नाक के इस टाइप पे जहाँ से हम अपना सांस लेते हैं वहाँ भी हमें नहीं अप्लाई करना चाहिए। मतलब ये किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने चाहिए। ये आप थोड़ा गूगल कर लोगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा, पर क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता इसलिए मैं इस वीडियो को स्पेशली बना रही हूँ कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स इसके साथ हो सकते हैं। अब सवाल आता है, बाय चांस ये किसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो क्या क्या हो सकते हैं इसका। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका इफेक्ट कुछ भयंकर सा आ सकता है। तो अगर आपने बाय चांस इसको इंटेक कर लिया तो इसका, जैसे मैंने बोला कि इसका कुछ साइड इफेक्ट कुछ बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। जैसे कई तरीके की मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके, अगर आपने इंटेक कर लिया तो आपको सीरियस डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, आपकी बॉडी में वीकनेस आ सकती है। और जो सबसे बड़ा जो मैंने देखा तो मैं खुद भी चौंक गई कि इससे कोई इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना डेंजरस हो सकता है अगर हमने इसको संभाल कर नहीं यूज़ किया। ये मेरा कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आपको डरा दूं, पर ये सारे प्रिकॉशंस जान लेना और समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। मैं भी टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ, ये मेरे पास जो मेरा टी ट्री ऑयल है इसका मैंने पूरा ट्यूटोरियल मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया है। तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतती हूँ इसके साथ जबकि मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी इसको थोड़ा सा आप सावधानियाँ बरत के आप भी अपने नॉर्मल रूटीन में, रेगुलर स्किन केयर रूटीन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आखिर में आता है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे साथ कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिससे, जिसके बाद मैं इसको लेकर और ज़्यादा मैं सावधानियां बरतने लगी कि किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। हालांकि ये टॉपिक में तो नहीं है, पर मैं बता दूँ तो शायद आपको भी कुछ कुछ लोगों को हेल्प हो जाए। तो प्रॉब्लम यह है कि मुझे नर्व इशू है, मुझे नर्व की प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा। अब जिन जिनको है उनको पता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, वो हालांकि इस वीडियो में वो सब बताने का कोई मतलब नहीं बनता। जिनको नहीं पता आप लोगों को प्लीज़ जानने का कुछ मतलब नहीं बनता, बीमारियों के बारे में जानकर क्या करोगे। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा आपको चक्कर आते हैं, वीकनेस रहता है और भी काफ़ी सारे चीज़ें होती है। पर जो अब मेरे साथ हुआ तो मैं वो आपको बता दूँ। एक तो स्किन के साथ हुआ, एक मेरे हेल्थ के साथ हुआ, टी ट्री ऑयल के साथ। तो जब मैंने पहली बार इसको मैंने खोला, तो सॉरी, जब मैंने इसको पहली बार लाया तो एक होता है कि चलो इसको खोल कर देखते हैं अंदर कैसा है क्या है। इससे पहले मेरा टी ट्री ऑयल के साथ मेरा कभी मैंने कभी खरीदा नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था या स्मेल नहीं किया था कैसा था। तो वो जब मैंने उसका ये कैप,
तो ये कैप मैंने जैसे ही खोला, वो जो एक इसका एक अरोमा निकला, इतना स्ट्रॉन्ग अरोमा निकला, क्योंकि मुझे नर्व प्रॉब्लम है तो मुझे अचानक इतने ज़ोरों से मुझे चक्कर आ गए और मैं खड़ी नहीं हो पाई। मैं तुरंत वहीं पर, हालांकि कुर्सी थी तो मैं उसे बैठ गई। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग है, अब क्योंकि मुझे नर्व की प्रॉब्लम है तो शायद इसने थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट मेरे स्किन में, सॉरी मेरे हेल्थ के ऊपर कर दिया। तो ये जो वो जो काफी सारे उसके बाद जो सिम्टम्स आए कि मुझे चक्कर आने लगे, मुझे मुझे वॉमिटिंग फील होने लगा, ड्राउजीनेस लगने लगा, काफी सारे चीजें, तो ये सारे जो चीजें थे ये कुछ वक्त तक था। मतलब मैंने शाम को वो पैकेट खोला, मैंने रात तक वो मेरा तबीयत कुछ सही नहीं गया। हालांकि उस दिन मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं एक और बात ही बता दूं कि मैंने ये जब खोला था उसके बाद जो अरोमा उसका निकला, तो हालांकि ये मुझे लगता है कि मुझे ही सिर्फ फील हुआ, क्योंकि मेरे घर में अदर्स लोगों को उनको ये स्मेल नहीं आई, वो एक अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी। अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे नर्व प्रॉब्लम है तो शायद इसलिए इसने मुझ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। ये मैं बार बार इसलिए अपना प्रॉब्लम बता रही हूँ कि अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इसको अपने नाक और मुंह के सामने बिल्कुल इसको खोल कर मत लाना है। जैसे अभी भी मैं जैसे इसको यूज़ करती हूँ, मैं इस तरीके से दूर रखती हूँ इसको, ऐसे खोलती हूँ जिस तरीके से लगाना होता है। तो मैं लेकर जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने स्किन में, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना मुंह और सांस थोड़ी देर के लिए मैं उसको रोक लूँ जब तक मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं हाथों को हटा लिया, मैंने फिर सांस लिया। तो ये मेरा पर्सनल तरीका है कि ये मेरे नाक के अंदर ना जाए ताकि मेरी तबीयत ना खराब हो। ये गया हेल्थ का मामला कि मेरे हेल्थ के साथ इसका क्या हो। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप ये सब गलतियाँ ना करें, ये बताने का सिर्फ यही मेरा मुद्दा है, यही इरादा है। अब बताते हैं कि स्किन में क्या हुआ। जैसे कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, ये सेंसिटिव भी है, ड्राई भी है, ऑयली है। तो सेंसिटिव स्किन में ये भी इसका एक रूल है कि हो सकता है कि अगर आपको सेंसिटिव स्किन है तो हो सकता है कि टी ट्री ऑयल आपको सूट ना करे। हर किसी की बात नहीं है, किसी किसी को हो सकता है कि सूट ना करे, इरिटेशन हो जाए, रैशेस आ जाए या रेडनेस आ जाए। तो मैंने जब पहली बार इसको लगाया, हालांकि मैंने कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके ही लगाया था, किस तरीके से लगाया जाता है वो आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने पहली बार जब मैंने इसको लगाया, मुझे बहुत तेज जलन हुई। हालांकि वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से इसको ये चीज़ें थोड़ी हमें अपने स्किन में एडजस्ट भी करवाना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है। तो वो एक तेज़ इतनी तेज़ जलन हुई कि मुझे डर लगने लगा कि अब कुछ हार्म ना हो जाए। तो मैंने तुरंत उसको, वो अच्छा था कि मैंने पानी से उसको धो दिया, तो वो फिर भी वो काफ़ी देर तक वो जलन थी। अब ये बात भी मैं क्यों बता रही हूँ ताकि आप ये गलती ना करो। अगर आपको सेंसिटिव स्किन है, अगर आपको लगा कि आपको जलन हो रही है, तो आपको फर्दर इसको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब मेरे साथ ये जलन वाला किस्सा हुआ, उसके बाद भी मैं क्यों लगा रही हूँ ये भी मैं बता दूँ। क्योंकि जैसे मैंने इसको नया नया खरीदा था, अब लगा कि यह सबको सूट कर रहा है, मुझे क्यों नहीं किया, तो एक अटेम्प्ट और करके देखते हैं। तो जो मैंने नेक्स्ट दिन मैंने लगाया तो मुझे उतना जलन नहीं हुआ, मतलब उतना भी नहीं हुआ कि मैं इसको उतारूं या डर जाऊं। तो वो क्या हुआ था कि मैंने जैसे पहला दिन लगाया था, एक्ने के ऊपर लगाया था, तो उसको भी एडजस्ट होने में थोड़ा सा हमारे स्किन में, उसके लिए भी मेरा स्किन नया ही है तो उसको भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा और मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगा। पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप दिन ब दिन उसको लगा रहे हो और आपको जलन हो रही है और आप फिर से लगा रहे हो ये सोच कर कि कभी ना कभी एडजस्ट होगा। आप एक दो या तीन ट्राई कर लो, उसके बाद अगर ये नहीं सूट करता तो बिल्कुल इसको हटा दो, क्योंकि ये कितना डेंजरस हो सकता है वो मैंने आपको बताया। तो जब मैंने देखा कि उसके बाद मुझे ये इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया, जलन नहीं हुई, तो मैंने इसको फिर कंटिन्यू किया। अभी इसके साथ मेरा स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी भी ये मेरे अगर नाक सांसों के साथ अंदर कुछ चला जाता है या मैं इसको आंखों के आसपास लाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा जलन होता है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सांस को रोक कर इसको लगा लूँ और बहुत जल्द लगा लेती हूँ, उसके बाद अपना हटा देती हूँ वो कॉटन ब्रश। तो इस तरीके से ये सारे जो सावधानियाँ अगर आप ध्यान में रखकर इस्तेमाल करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इस वीडियो को बनाने का मुद्दा ही यही था कि आप लोगों को पता चले कि जो मेरे साथ हुआ वो आप अपने स्किन के साथ वही सारा गलतियां ना दोहराएं। तो यही मुद्दा था कि मैं ये चीज़ें शेयर करूँ आपके साथ। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आप अगर मुझे कमेंट करते हो तो मुझे पढ़ने में वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही एक एप्रिसिएशन है जो आप मुझे दे सकते हो। और आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरी जानकारी में हुई तो मैं उस पर डिटेल में एक वीडियो भी ला सकती हूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ओके, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फिलहाल आज के एपिसोड के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, लॉकडाउन को सफल करना है सबको मिलकर। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।